वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल है एवेड्यूकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर 10, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज है 10C का क्वेश्चन नंबर 6। देखियो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इन आप पैरेललोग्राम PQRS पैरेललोग्राम में जो PQ है, PQ जो है 12 सेंटीमीटर है एंड PS जो है 9 सेंटीमीटर है। तो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, जो एंगल P का बाइसेक्टर होगा, मीट करता है SR पे, SR पर मीट करता है जो कि पॉइंट P पे, एम पे। तो पीएम जो होगा, पीएम ध्यान से देखिएगा, जो पीएम होगा एंड क्यूआर होगा, जो आपको कह सकते हैं क्यूआर, बोथ व्हेन प्रोड्यूस, जब वो प्रोड्यूस करता है तो मीट करता है एट टी पे मीट करता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ आरटी, तो आरटी का लेंथ क्या होगा, यही तो हमें गेन करना होगा कि आरटी का लेंथ क्या होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन से जो गिवन निकल कर आया, वो गिवन क्या है, पीक्यू जो है 12 सेंटीमीटर है और एसपी क्या 9 सेंटीमीटर है। तो टू प्रूफ करना है हमें, ये करना है कि जो आरटी का क्या होगा वैल्यू, तो प्रूफ में चलूंगा। तो सबसे पहले चलेंगे, लिखेंगे क्या इसमें, लिखेंगे यहां पर कि जो यहां पर जो पीएम है, पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। जो पीएम है बाइसेक्टर एंगल पी का, जब बाइसेक्टर रहेगा इट मींस कह सकते हैं ए भी एक्स डिग्री हो जाएगा और ए भी एक्स मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। इट मींस कहने का अर्थात जो यहां पर ऐसे बनेगा एंगल, यहां पर बनेगा एम पी एस इक्वल टू एंगल, यहां पर और क्या बनेगा, एम पी क्यू बनेगा। देखिए ध्यान से, एम पी एस ये वाला एंगल, एम पी क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, कितना का, तो एक्स डिग्री का इक्वल होंगे, क्योंकि बाइसेक्ट करता है तो इक्वल एंगल्स में नो होता है, इक्वल एंगल में बाइसेक्ट कर रहा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए ये तो आपका बाइसेक्टर हो गया और एंगल भी आपको दिख गया कि ये हो गया, लेकिन उसके बाद कहेंगे कि जो यहां पर, तो ये तो समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर ये PQRS क्या था, पैरेललोग्राम था, तो यहां पर लिखेंगे कि जो PQRS, यहां पर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम है तो इट मींस कह सकते हैं जो PQ है SR का पैरेलल है, तो लिखेंगे जो PQ होगा, PQ पैरेलल क्या है, SR का पैरेलल है। एंड उसके बाद कर सकते हैं यहां पर जो PM होगा, PM इज अ ट्रांसवर्सल लाइन है आपका, ये PM क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएंगे तो देखिए तो एंगल क्या होगा, एंगल MPQ ठीक है, किसके इक्वल हो जाएंगे, यहां पर देखिएगा TMR का, ठीक है TMR का, तो एंगल क्या हो जाएगा, एम पी क्यू इक्वल हो जाएंगे किसके, तो देखिए तो ध्यान से एंगल टी एम आर का इक्वल हो जाएगा। कैसे, ये आपका इक्वल हो जाएंगे, कैसे इक्वल हो जाएंगे, एक्स डिग्री हो जाएंगे, पहले एक्स डिग्री, क्योंकि ये एक्स डिग्री है, ये एंगल एक्स डिग्री है, तो जाहिर सी बात है एंगल भी एक्स डिग्री हो जाएंगे, ये एंगल भी एक्स डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो लिख देता हूं बाय यहां पर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, ठीक है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे, ठीक है बाय क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये एंगल, क्योंकि देखिए ध्यान से ये आप क्या पढ़े हो कि ए एंगल, ध्यान से देखिएगा ए एंगल इसके इक्वल होता है, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग, ए छोड़कर एक एंगल को होता था क्रॉसपॉन्डिंग होता है, जाहिर सी बात है यहां पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है इसके एसआर का, तो इट मींस कह सकते ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब तो समझ में आया, अब देखिए ध्यान से और क्या करेंगे, इसके बाद अगेन चलेंगे, अगेन क्या है, अगेन में जैसे ये पहले पैरेललोग्राम, तो ये भी तो पैरेलल होंगे ना, तो यहां पर लिखेंगे जो पीएस है पैरेलल किसका हो जाएगा, क्यूआर का पैरेलल हो जाएगा। इट मींस और भी देखिए, पीएस क्यूआर ही का पैरेलल नहीं है, यहां पर क्यूटी का भी पैरेलल हो जाएगा, क्यूटी का भी पैरेलल, क्योंकि देखिए ध्यान से पीएस पैरेलल होगा क्यूआर का, ठीक है, लेकिन क्यूआर को यहां पर जो आर को यहां से प्रोड्यूस किया गया ना टी तक, तो क्यूआर भी क्यूटी भी यहां पर पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। इन बीच कह सकते हो, इन विच जिसमें आपको क्या कहा जाएगा, जो पीटी हो जाएगा,
पीटी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल, ठीक है। पीटी यहां पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। जब ट्रांसवर्सल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, देखिए क्या हो जाएगा सब, ट्रांसवर्सल होने के बाद ये एंगल, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे ना ऑल्टरनेट से, ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल यहां पर, पैरेलल है यहां पर, देखिए ये पैरेलल हो जाएंगे और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएंगे। तो यहां पर बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो एंगल, एंगल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एमपीएस, एमपीएस इक्वल हो जाएगा एंगल किसका, एमटीआर का, एमटीआर का, ठीक है, ये आपका हो जाएंगे कितना डिग्री, एक्स डिग्री। इट मींस कह सकते हैं ए भी एक्स डिग्री हो गया था, ए भी एक्स डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे, तो यहां पर लिख देता हूं बाय अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल से हुआ, ठीक है, अल्टरनेट एंगल से हुआ। आई थिंक यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा था अभी तक। तो देखिए, तो ये जाहिर सी बात है कि अब तो हमें पता चल गया कि ए एंगल इसके इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है क्रस्पॉन्डिंग से, ए इसके इक्वल है अल्टरनेट से। तो जाहिर सी बात है यहां पर कि जब दो हो गया तो उसके बाद क्या कर सकते हैं कि दो यहां पर एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हो, यहां पर क्या मानेंगे, ये तो हम कर दिए यहां पर। अब देखिए यहां पर ट्राइंगल में चलेंगे, इसमें इन ट्राइंगल किस में चलेंगे, पी टी क्यू में चलेंगे। तो यहां पर चलेंगे इन ट्राइंगल पी टी क्यू में चलेंगे। इसमें क्या पता चला कि ये दो ट्राइंगल, मतलब कि ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है। कौन सा एंगल इक्वल है यहां पर, इक्वल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एम एम पी क्यू, इक्वल एंगल किसके हो जाएंगे, एम पी क्यू इक्वल एंगल हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, एम पी क्यू हो जाएगा ये एंगल इक्वल, और उसके बाद क्या कर सकते हैं यहां पर, एम टी आर, एम टी आर एंगल, एम टी आर ये आपका इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कितना डिग्री का, तो x डिग्री का इक्वल हो जाएंगे। जब ये x डिग्री का इक्वल, हमें पता है कि ये आइसोस्केलस में दो एंगल्स इक्वल होंगे, तो दियर साइड्स भी अपोजिट एंगल का, मींस एंगल का अपोजिट साइड इक्वल हो जाते, ये साइड इक्वल हो जाएगा, ये इसका साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जाहिर से बात है, यहां पर ये तो पूरी तरह से एक डिग्री था, तो देखिए ध्यान से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। जब दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो देखिए तो साइड्स भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। तो यहां पर कह सकते हैं यहां पर कि जो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू इक्वल हो जाएंगे किसका, इक्वल हो जाएंगे, ध्यान से देखिए पी क्यू यहां पर QT का इक्वल हो जाएंगे, QT का इक्वल, क्योंकि A एंगल का अपोजिट साइड ये इक्वल, A एंगल का अपोजिट साइड ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर PQ और QT आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर कर सकते हैं, यहां पर PQT लिख देंगे, PQT यहां पर देखिए लिखेंगे क्या, PTQ इज आइसोस्केलर, आइसोस्केलस ट्राइंगल, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल बन गया। अब जाहिर सी बात, जब आइसोस्केलस ट्राइंगल बन गया तो ये तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू टी ये हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, सिंपल सा हम कर सकते हैं, क्यू टी को क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर लिखेंगे हम कि पी क्यू तो है आपका इक्वल, तो यहां पर पी क्यू क्यू टी का इक्वल है, यहां पर कर सकते हैं क्यू टी करते हैं, क्यू टी का इक्वल है, क्यू और टी का इक्वल है। अब यहां पर क्या देखिएगा ध्यान से, QT को हम क्या लिख सकते हैं, QT को हम लिख क्या सकते हैं, सो देखिएगा ध्यान से, QT का लिखेंगे, QT का QR प्लस RT लिख सकते हैं, और QT किसके इक्वल है, QT देखिए ध्यान से, यहां पर आपको ये PQ इक्वल QT, ये QT हो गया, QT ये आपका 12 सेंटीमीटर का इक्वल था, ठीक है ना, ये 12 सेंटीमीटर का है। तो QT देखिए, तो ध्यान से QT आपका 12 सेंटीमीटर, PQ कितना सेंटीमीटर का है, PQ और QT 12 सेंटीमीटर का है, क्योंकि ये भी 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये आपको सिंपल सा कर सकते हो, 12 सेंटीमीटर डी मींस कर सकते हैं QT यहां पर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर इक्वल टू QR कितना, QR तो यहां पर देख सकते हो, QR यहां पर देखिएगा, QR 9 सेंटीमीटर, और RT तो हमें गेन करना है, RT हमें गेन करना है, ये आपको गेन करना है कि क्या हो जाएगा ये। तो यहां पर देखिए, तो
12 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू आर टी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा क्या मैं कर रहा हूं यहां पर से। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर देखिए तो 9 में 12 में से 9 जाएगा, 3 सेंटीमीटर बचेगा इक्वल टू आर टी, ये आपका। तो इट मीन्स कह सकते हो आर टी इक्वल 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका यहां पर आंसर गेन हो गया। हे गाइस, आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।